Hello students, today we will discuss about uterine displacement. Uterine displacement क्या होता है वो देखते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि uterus की जो normal position होती है वो क्या होती है. जैसा कि आप इस diagram में देख रहे हैं, uterus एक pelvic cavity होती है जो bladder and rectum के बीच में सिचुएटेड होती है, ठीक है. और इसकी पोजीशन क्या होती है, नॉर्मली एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन. तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है. कि मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब किसी ऑर्गन का अपने प्लेस से हटना या इधर उधर मूव हो जाना, ठीक है. तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो नॉर्मली यूट्रस क्या होता है, नॉर्मली यूट्रस मोबाइल ऑर्गन होता है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी के टाइम में अपनी शेप या साइज चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है, और ये नॉर्मल होता है, ठीक है. और उसके बाद में और अगर यूट्रस पीछे की तरफ प्लेस हो जाए तो मतलब अपोजिट हो जाए अपनी जगह से, जैसे वो एंटीवर्टेड है, एंटी फ्लेक्शन है, उससे अपोजिट अगर वो हो जाए तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसका प्लेसमेंट ही चेंज हो गया यूट्रस का, तो उस वजह से प्रॉब्लम होगी. जैसे कि कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कंसीव कर लिया है तो प्रेगनेंसी मेंटेन रखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो अब देखते हैं कि एबनॉर्मलिटी जो है वो दो तरह की होती है, वर्जन एंड फ्लेक्शन. तो वर्जन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स. मतलब क्या होता है कि जो वेजाइना और सर्विस का जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस होता है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो उसको वर्जन बोलते हैं. इसके बाद में इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है, एंटीवर्टेड, मिड पॉइंट एंड रिट्रोवर्टेड. तो सबसे पहले एंटीवर्टेड देखते हैं. तो एंटीवर्टेड का क्या मतलब होता है, आगे की तरफ या फॉरवर्ड, मतलब यूट्रस का फॉरवर्ड होना, आगे की तरफ झुकना. तो जो यूट्रस का जो फंडस होता है, जो अपर पार्ट होता है यूट्रस का, वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा होता है नॉर्मली, ठीक है, मतलब जैसे अम्लाइकस की तरफ होता है वो. और सर्विक्स का जो एक्सटर्नल ओस होता है, जैसे कि मतलब सर्विक्स का जो माउथ बोल सकते हैं, वो उसकी पोजीशन क्या होती है एंटीवर्टेड में, वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होता है. जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं एंटीवर्टेड, इसमें क्या है, यूट्रस आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है एंड जो सर्विक्स है वो डाउनवर्ड है, थोड़ी नीचे की तरफ है एंड थोड़ी बैकवर्ड है, पीछे की तरफ भी हो रही है. देन इसके बाद में इसका जो ठीक है, और इसके बाद में मिड पॉइंट एंड रिट्रोवर्टेड भी देखेंगे. उससे पहले हम फ्लेक्शन देख लेते हैं एक बार. फ्लेक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ फंडस एंड सर्विक्स. तो जो फंडस एंड सर्विक्स का जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस होता है उसके बीच में, बीच का रिलेशनशिप फ्लेक्शन कहलाता है. मतलब आपको इससे याद रखते हैं, वी फॉर वर्जन एंड वी फॉर वेजाइना एंड फ्लेक्शन को एफ फॉर फ्लेक्शन एंड एफ फॉर फंडस, ठीक है. ये भी इसको भी इसके भी तीन पार्ट होते हैं, एंटी फ्लेक्स्ड, मिड पॉइंट एंड रिट्रो फ्लेक्स्ड. अब देखते हैं एक एक के बारे में. तो एंटीवर्टेड है वो तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो सर्विक्स है वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड चली जाती है. और इसमें क्या होता है कि जो इसका रिलेशन कैसे होता है,
अभी मैंने बोला ना रिलेशन बिटवीन वेजाइना एंड सर्विक्स, तो कैसे होता है कि इसमें जो वेजाइना एंड सर्विक्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये देखो जो बन रहा है ना 90 डिग्री का एंगल बनता है, और उसके बाद में मिडवर्टेड। मिडवर्टेड क्या होता है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन सर्विक्स वेजाइना आर वन द सेम एक्सिस लॉन्जिट्यूडनल, मतलब सर्विक्स वेजाइना यूट्रस तीनों एक ही एक्सिस पे होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पे होते हैं। तो तीनों का रिलेशनशिप एक्सिस लॉन्ग होता है। देन देखते हैं रिट्रोवर्टेड। रिट्रोवर्टेड क्या होता है? रिट्रोवर्टेड जस्ट एंटीवर्टेड का अपोजिट होता है। इसमें आप देख रहे हैं डायग्राम में जो यूट्रस है वो बिल्कुल पीछे की तरफ चला गया है, सेक्रम की तरफ, बैकवर्ड ऑफ यूट्रस। यूट्रस का बैकवर्ड होना है ना, इसमें भी जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है वेजाइना एंड सर्विक्स के बीच में। ये वाली जो कंडीशन होती है वो ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है, सीरियस पोजीशन होती है ये यूट्रस की, क्योंकि इसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और ये एबनॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद में फ्लेक्शन के टाइप देखते हैं, एंटी फ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस है वो बैंड हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। ठीक है, एंटीवर्टेड में तो क्या था, आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है यूट्रस, लेकिन इसमें बिल्कुल बैंड हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर पे, और इसमें जो एंगल बनता है वेजाइना और सर्विक्स के बीच में वो 120 डिग्री का बनता है, क्योंकि वो आगे बैंड हो रहा है इसीलिए। तो और इसके बाद में है मिड पोस्ट या मिड फ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम मिड वर्टेड की तरह होता है, इसमें भी तीनों एक्सिस एक ही एक्सिस में होते हैं, तीनों यूट्रस वेजाइना एंड सर्विक्स तीनों लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है रिट्रोफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो बिल्कुल बैक की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, वो बैकवर्ड होके बेंड हो जाएगा यूट्रस इस कंडीशन में। ठीक है, फंडस सेक्रम की तरफ मूव हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी डिग्री, डिग्री ऑफ रिट्रोवर्जन एंड रिट्रोफ्लेक्शन। जो दोनों एबनॉर्मल कंडीशन है रिट्रोवर्जन एंड रिट्रोफ्लेक्शन, उनके देखते हैं डिग्रीज। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि जो यूट्रस है वो फंडस के, जो फंडस है यूट्रस का, जो फंडस है वो जो सेक्रल प्रोमेंट्री की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो यूट्रस इस तरह से मूव होगा कि उसका जो फंडस है वो सेक्रल प्रोमेंट्री की तरफ होगा। ठीक है, और इसमें एक्सटर्नल ओस का क्या डायरेक्शन होगा, डाउनवर्ड। इसमें एक्सटर्नल ओस डाउनवर्ड चली जाएगी। देन सेकंड है सेकंड डिग्री है वो है, इसमें क्या होता है कि जो जो फंडस है और जो यूट्रस है वो सैक्रल कैविटी के अंदर चला जाता है। जो सैक्रल कैविटी होती है, क्योंकि सैक्रल यू बैंड होती है, कॉनकेव शेप में होती है ना, तो उसके अंदर यूट्रस चला जाता है, यूट्रस का फंडस। और इसमें एक्सटर्नल ओस की क्या पोजीशन रहती है, जैसे कि इस डायग्राम में देखिए आप नीचे फिगर टू में,
इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल ओस जो है, जो सर्विक्स है वो थोड़ा आगे की तरफ हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा आगे की तरफ हो जाएगी, और जो यूट्रस फंडस है वो पीछे की तरफ हो जाएगा। और अब देखते हैं डिग्री थर्ड। इसमें क्या होता है कि जो फंडस ऑफ यूट्रस है वो सेक्रम का जो टिप होता है ना, मतलब टिप ऑफ द सेक्रम मीन्स जहाँ से कोकेक्स स्टार्ट होती है, वहाँ पे यूट्रस का फंडस चला जाता है बेंड होकर। जैसे इस फिगर थर्ड में आप देख रहे हैं कि जो फंडस है वो बिल्कुल बेंड हो गया है, और इसमें जो सर्विक्स का क्या डायरेक्शन होता है, सर्विक्स इसमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड चली जाएगी, नहीं थोड़ा आगे की तरफ और थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो ये जो थर्ड डिग्री है वो सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि इसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें पहली बात तो स्पर्म जाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और अगर चला भी जाए स्पर्म तो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होगी, अगर इम्प्लांटेशन भी हो जाता है तो बेबी को ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है इस पोजिशन में, क्योंकि कैविटी बैंड हो चुकी है, ठीक है। और जो ग्रेड सेकेंड है वो थोड़ा उसमें भी चांसेस होते हैं इनफर्टिलिटी के, लेकिन उसमें थोड़े कम चांसेस होते हैं, और जो फर्स्ट डिग्री है उसमें कंसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। देन देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या है, फर्स्ट क्या है, कंजेनाइटल, मतलब कोई बर्थ डिफेक्ट हो, कंजेनाइटल डिफेक्ट हो यूट्रस में, तो उस वजह से। सेकेंड है पेल्विक सर्जरी, पहले की कोई पेल्विक सर्जरी हो रखी हो, जैसे सिजेरियन हो रखा हो पहले का, या फिर कोई और ट्यूमर वगैरह की सर्जरी हो रखी हो, ठीक है, इसके कारण भी हो सकता है, क्योंकि क्या हुआ, अधेजन बन जाएंगे, जिसके कारण क्या अधेजन बन जाएंगे, रेशे टाइप बन जाते हैं जो यूट्रस को अपनी तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं अपनी तरफ, तो इस वजह से यूट्रस बैंड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और यूट्रस अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाता है, ठीक है, और यूट्रस की साइज शेप पोजीशन सब चेंज हो सकती है, या फिर कोई फाइब्रॉइड हो, तो फाइब्रॉइड में क्या होगा, अगर यूट्रस के आसपास फाइब्रॉइड होगा, आगे पीछे किधर भी होगा, तो वो यूट्रस को क्या करेगा, पुश करेगा, उसको धक्का देगा, जिस वजह से भी यूट्रस की पोजीशन चेंज हो सकती है, पीआईडी की वजह से, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस की वजह से। इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसकी वजह से क्या होगा, लिगामेंट्स जो होते हैं वो वीक हो जाएंगे, ठीक है, और जो क्या होंगे कि जो यूट्रस को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगे, वो प्रॉपरली यूट्रस को होल्ड नहीं कर पाएंगे। देन है मल्टीग्रेविडा। तो मल्टीग्रेविडा में क्या होगा, मल्टीग्रेविडा क्या होता है, जिसके बहुत सारे बच्चे हों, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली एक तो एज भी इंक्रीज हो जाती है ऐसी कंडीशन में, ठीक है, दूसरा कि बहुत सारे बच्चे होने से ऑर्गन भी वीक हो जाते हैं, लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं, यूट्रस भी वीक हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि यूट्रस की पोजिशन चेंज हो जाती है। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स। बैक पेन के इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि यूट्रस बैक साइड में चला गया है, तो उस वजह से बैक एक होगा, वहाँ की मसल्स खींचेंगी। डिसपेरियूनिया मीन्स पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये क्यों होगा, क्योंकि जो यूट्रस की पोजीशन है उसमें चेंज आ गया है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या है कि सर्विक्स और वेजाइना की पोजीशन में भी चेंज होगा थोड़ा, और जो एंगल और डिग्री है, एंगल डिग्री उसमें भी चेंजेस आ गए हैं, तो उस वजह से पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। इनफर्टिलिटी के भी इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है, कर्व या बैंड ऑफ यूट्रस की वजह से कंसीव करने में, या फिर प्लासेंटा, या फिर कंसीव करने या बेबी ग्रो करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से अबॉर्शन के भी चांसेस रहते हैं। अब देखते हैं इसके साइंस। साइन क्या होंगे इसके, पहला है बाई मैनुअल एग्जामिनेशन।
तो इसमें क्या करते हैं, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं सर्विक्स का। इसमें क्या करते हैं कि इमेज दिखाती हूँ आपको। इसमें ये देखिए जो फर्स्ट इमेज है, इसमें देखिए जो फिंगर के थ्रू सर्विक्स का एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, जो सर्विक्स की पोजीशन, ठीक है, तो उसका क्या एंगल है, क्या शेप है, और वेजाइना का क्या एंगल हो रहा है, तो वो सब इसमें देखते हैं हम। देन सेकेंड है स्पेक्युलम एग्जामिनेशन। स्पेक्युलम एग्जामिनेशन से हम सर्विक्स का जो पोजीशन है वो देखते हैं। इसमें स्पेक्युलम एग्जामिनेशन में जो एक्सटर्नल ओस है वो क्लियर दिखाई देगा। तो नॉर्मली तो क्या होगा कि जो स्ट्रेट और या फिर बीच में दिखाई देगी सर्विक्स बिल्कुल, है ना। और अगर एबनॉर्मलिटी है तो उसमें एंगल चेंज होगा एक्सटर्नल ओस का, वो साइड में दिखाई देगा, ऊपर नीचे ना किधर भी दिखाई दे सकता है। जैसे ये स्पेक्युलम एग्जामिनेशन हो रहा है। अब देखते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन हेल्प टू कंफर्म द डायग्नोसिस। तो जो ये रेक्टम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, रेक्टम में एक फिंगर इंसर्ट करके ये एग्जामिनेशन किया जाता है। तो इसमें क्या देखते हैं कि जो नॉर्मल यूट्रस होता है, नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की, उसमें क्या होता है कि यूट्रस और रेक्टम के बीच में एक स्पेस होता है जिसको डगलस पाउच बोलते हैं। लेकिन जब यूट्रस रिट्रोवर्टेड हो जाता है तो उसमें वो स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो इसके इसमें जो रेक्टम एग्जामिनेशन है इसके थ्रू हम देख सकते हैं। देन उसके बाद में हम यूएसजी करेंगे। तो यूएसजी से तो कंफर्म डायग्नोसिस हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या पोजीशन है यूट्रस की। उसके बाद में देखते हैं प्रिवेंशन। इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, रेगुलरी एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर टू अवॉइड ओवर डिस्टेंशन, ठीक है। ब्लैडर के ओवर डिस्टेंशन को रोकने के लिए रेगुलरी एम्प्टिंग करनी चाहिए ब्लैडर की, मतलब यूरिन पास करना चाहिए टाइम टू टाइम, ज़्यादा देर तक नहीं रोक के रखना चाहिए। और मेनली ये प्रिवेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बहुत काम आते हैं। अर्ली एम्बुलेशन मीन्स प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी के बाद में अर्ली एम्बुलेशन करवाना चाहिए पेशेंट को, है ना, जल्दी उठा के बेड से जल्दी थोड़ा घुमाना फिराना चाहिए उसको। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करवानी चाहिए। एनकरेज लाइंग फेस डाउन टू हाफ वन आवर वंस ट्वाइस डेली, मतलब उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए नीचे सर करके, नीचे डाउनवर्ड झुक के वो वाली। और इसको करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो 10 to 28 days आफ्टर लेबर, है ना, लेबर के 10 to 28 days बाद में ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। और उसके बाद में क्या है, पेसरी का यूज किया जा सकता है। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि यूट्रस मोबाइल है या फिर फिक्स है। अगर मोबाइल यूट्रस है तो कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो अपने आप ठीक हो जाता है। और जो अगर फिक्स्ड यूट्रस है, अगर वो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, अगर फिक्स हो गया है, तो उसके लिए उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। देखते हैं करेक्टिव ट्रीटमेंट। तो करेक्टिव ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेसरी को देखते हैं। पेसरी क्या होती है, जैसे आप डायग्राम में देखते हैं कि रबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जैसे हेयर बैंड होता है बालों को बांधने के लिए, वैसे होती है ये सर्विक्स को बांधने के लिए। तो इसको सर्विक्स में फिक्स किया जाता है। और ये पेसरी मेडिएटेड भी होती है, इसमें मेडिसिन होती है जिससे ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, ठीक है, और यूट्रस को नॉर्मल शेप में रखने में हेल्प करती है। और साथ ही साथ वो जो थर्ड डिग्री हुआ था, उस थर्ड डिग्री से भी यूट्रस को प्रिवेंट करती है। देन देखते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करेंगे, जब या तो थर्ड डिग्री हो या फिर फेलियर ऑफ पेसरी हो। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, वेंट टू
ससेप्शन, इसमें क्या होता है कि जो राउंड लिगामेंट्स होते हैं, जैसे इस इमेज में आप देख रहे हैं ये राउंड लिगामेंट्स हैं, ये लूज हो जाएं, मतलब किसी कंडीशन की वजह से अगर लूज हो रखे हैं ये, तो इन राउंड लिगामेंट्स को कट करके इनकी लेंथ को रिड्यूस करके और इसको फिक्स किया जाता है यूट्रस पे, उसके बाद में यूट्रस नॉर्मल पोजिशन पे आ जाता है। अब देखते हैं सर्जरी के इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, किस किस कंडीशन में सर्जरी करते हैं। इफ़ डिस्प्लेसमेंट कोज सिम्टम प्रूव बाय एडुकेटली कंट्रोल पेसरी टेस्ट, मतलब अगर पेसरी का यूज़ हम कर रहे हैं, अगर पेसरी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, पोजीशन सही नहीं हो रही है यूट्रस की, तब हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, या फिर अगर सीवियर डिसपेरुनिया हो रहा है तब, या फिर एंडोमेट्राइटिस या लियोमायोमा की कंडीशन हो, ठीक है, या फिर कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी वाले कुछ केसेस में, या फिर जो हैबिचुअल अबॉर्शन हो रहे हैं कंटिन्यू, उन केसेस में भी हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ओके, थैंक यू।